नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नीटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बेबी स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि गले से शुरू होने वाले स्वेटर में पॉकेट कैसे बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये धागा इस तरफ है और सिलाई का मुंह इस तरफ है। तो अब हमें इसे चेंज करके और इस तरह इसमें डालना होगा। तो ऐसे ही हमें सारे साइड में करना होगा। प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट का लास्ट फंदा है और ये बैक का फर्स्ट फंदा है। इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट जुड़ गया। अब शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए सेकंड फ्रंट पार्ट तक पहुंचेंगे। अब ये हमारा बैक का लास्ट फंदा है और ये सेकंड फ्रंट का फर्स्ट फंदा। तो दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमारा ये दोनों पार्ट्स भी आपस में जुड़ गए। शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा, बॉर्डर के 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो ये बॉर्डर के 7 फंदे हो गए, शेष सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 7 फंदे बचे हैं। तो वो बॉर्डर के फंदे हैं, उन्हें हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, लास्ट फंदे को उल्टा। फिर हम फ्रंट की ओर है तो सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो इसी तरह सामने से सभी फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से बॉर्डर के 7 फंदे सीधे और शेष फंदे उल्टा बुनते हुए हम अपना लंबाई पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, लंबाई पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस समय इसकी लंबाई 4 इंच तक हो गई है। तो अब हम इसमें जेब बनाएंगे। तो हम बॉर्डर के फंदे सीधा बुन लेंगे और उसके बाद 4 फंदे सीधा बुन लेंगे। अब हम 20 फंदों को दूसरी सिलाई हम उतार लेंगे। 20 फंदे को किसी सेफ्टी पिन में, ऊन में या जिसमें भी हमें सुविधा हो उसमें हम उतार लेंगे। तो ये हमने 20 फंदे उतार लिए हैं। अब हम इसको बांध देंगे। और अब हम अपना दूसरा कलर यहाँ पे हम इसे गांठ लगा देंगे। दूसरा कलर हमने अटैच कर लिया और अब हमने 20 फंदे धागे पे उतारे हैं। तो 20 फंदे हम इस पे बना लेंगे। तो हमने ये 20 फंदे बना लिए। 20 फंदे हमने उतारे थे और 20 फंदे हमने बना लिए। और अब यहाँ पे हम, चूँकि हमारा धागा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें दूसरा धागा लगाना होगा। दूसरा धागा लगाने के बाद हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमारे बैक के फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे। इस तरह इसको लपेटते जाएंगे तो ये निकलेगा नहीं। और सभी फंदे सीधे बुनते हुए बॉर्डर के बाद के 24 फंदे हम छोड़ देंगे और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बैग के सारे फंदे बुने जा चुके हैं और अब बॉर्डर को छोड़ के 24 फंदे बचे हुए हैं। पॉकेट बनाने के लिए हमें 20 फंदे उतारने होंगे, तो जैसे हमने इधर उतारे हैं वैसे ही हम किसी थ्रेड पे इन फंदों को 20 फंदों को उतार लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 फंदे ये उतार लिए गए हैं, तो इन्हें हम बांध लेंगे ताकि ये गिरे ना। इन्हें हम ऐसे बांध के सिक्योर कर लेंगे ताकि ये गिरे ना। तो 20 फंदों को हमने सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे हमें अपना सेकेंडरी कलर लगाना होगा पॉकेट का बॉर्डर बनाने के लिए। अब इस साइड भी पॉकेट के लिए हमने चूंकि 20 फंदे उतार लिए हैं, तो 20 फंदे हमें सेकेंडरी कलर से बनाने होंगे। तो ये 20 फंदे मैंने बना लिए हैं और अब यहाँ पे हमें अपना प्राइमरी कलर अटैच करना पड़ेगा क्योंकि हमारा थ्रेड यहाँ पे है, तो प्राइमरी कलर अटैच कर लेते हैं। और सभी फंदे सीधा बना लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, थ्रेड थोड़े ज़्यादा हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। अब रॉन्ग साइड में बॉर्डर का पहला फंदा स्लिप करेंगे और 6 फंदा सीधा बना लेंगे। और 4 फंदा उल्टा। अब इन दोनों धागों को ऐसे हम लपेट लेंगे ताकि ये दोनों आपस में बंध जाए और फिर हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमारा बॉर्डर है तो इन 20 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो सेकेंडरी कलर वाले 20 फंदे सीधे बुने जा चुके हैं। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे क्रॉस करेंगे प्राइमरी कलर से। अब सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और दूसरे जेब के पास पहुंचेंगे। सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम जेब के पास पहुंच गए हैं, तो इन दोनों को हम ऐसे क्रॉस करेंगे और सभी फंदे सेकेंडरी कलर वाले सभी फंदे हम सीधा बना लेंगे। पहले लाइन में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके बाद बुनना आसान हो जाएगा। ये जेब का बॉर्डर है, सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो सभी जेब के सभी फंदे सीधे बुने जा चुके हैं। अब उनको अपनी ओर करेंगे और इन दोनों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे ताकि बंध जाए। अब 4 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 6 फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। 6 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा ये 10 लाइन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम यहाँ पे बटन होल भी बनाएंगे। तो 3 फंदे सीधा बुन लेंगे, 2, 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1 करेंगे। ये हमारा बटन होल बन गया।
फिर सभी फंदे सीधे बुनेंगे। दोनों धागों को ऐसे आपस में क्रॉस करेंगे और फिर सेकेंडरी कलर वाले सभी फंदे सीधे बना लें। अब दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करेंगे और प्राइमरी कलर से बुने हुए सभी फंदे सीधे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर के फंदे सीधे बना लेंगे, तो हम 6 लाइन तक दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए बुनेंगे, जिससे 3 उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो मैं 6 लाइन बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं, यानी कि हमने 6 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। और अब हम नॉर्मली इसको जैसे बुनते हैं वैसे बॉर्डर, नीचे के बॉर्डर तक हम बुनते चले जाएंगे। हमें अगर कोई डिज़ाइन डालना है, प्लेन बनाना है, चाहे जैसे भी बनाना है, हम बुनते हुए नीचे के बॉर्डर के जितनी लंबाई हमें रखनी है उतना हम बुन लेंगे। तो मैं लंबाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेबी स्वेटर लगभग इतना बन के तैयार है और इस समय इसकी लंबाई है लगभग 8.5 इंच। तो और हमारा जेब बन के तैयार है। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने होंगे और बुनाई करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन उतारे हुए फंदे को सिलाई में चढ़ा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 200 फंदों को सिलाई में चढ़ा लिया है। अब धागे को ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पे ऊन अटैच करेंगे और सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए, यानी कि प्लेन बुनते हुए हम इस के बराबर कर लेंगे। हमें फ्रंट से इसे सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से उल्टा। अब सिर्फ इन 20 फंदों को ही हमें बुनना है और 32 लाइन का ये पॉकेट बनाया है, तो हमें इसे 32 लाइन बुनना होगा। एक लाइन हमने बुन लिया, ये हमारा दूसरा लाइन है और 32 लाइन हमें इसे कंप्लीट करना है। तो 32 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके बराबर कर लिया है और ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे वाले जेब को भी ऐसे ही फंदे उठा के और इसके बराबर बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे जेब के भी सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। धागा ऐसे खींच लेंगे, दूसरा वाला ऊन अटैच करेंगे और सभी फंदे सीधे बुनते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आगे से यानी फ्रंट से सीधा और रॉन्ग साइड से बैक साइड से उल्टा बुनते हुए हम 32 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो 32 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों जेब इस बराबर बन के तैयार हो गए, इस पल्ले के बराबर बन गए हैं। तो अब क्या करेंगे, बॉर्डर के सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे और साइड के जो 4 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे।
और अब एक फंदा ये पॉकेट का और एक फंदा ये दूसरे पल्ले का, दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे यहाँ पे, और इसको हम इसमें ऐसे गांठ लगा देंगे। अब फिर एक पहले सिलाई से एक दूसरे सिलाई से दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। ये हमारे दोनों पल्ले जुड़ते चले जा रहे हैं, दोनों में से एक एक फंदे लेंगे और सीधा बनते जाएंगे। देखिए ये दोनों पार्ट्स जुड़ते चले जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही सभी फंदों को जोड़ लेंगे। अब हमारा ये एक पॉकेट तैयार हो गया है। देखिए ये एक पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम बीच के सभी फंदे सीधे बना लेंगे, दूसरे पॉकेट के पास पहुँचेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे पॉकेट के पास पहुंच गए हैं। तो दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। और अब इसे हम पीछे वाले फंदे पार्ट के उनको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ताकि ये निकले मत। उसके बाद फिर दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। दोनों में से एक एक फंदे लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे देखिए जुड़ गए हैं। ये हमारे दोनों पल्ले आपस में जुड़ गए हैं। और अब ये बॉर्डर के साइड के चार फंदे और बॉर्डर के फंदे सभी को सीधा बना लेंगे। और रॉन्ग से साइड से भी अब हम सभी फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये नीचे का बॉर्डर बन रहा है। तो हम ये हमारा दूसरा लाइन है और छह लाइन और हम टोटल 8 लाइन का हम बॉर्डर बनाएंगे। 7 लाइन बनाने के बाद 8वें लाइन में हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। आठवें लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। तो 8 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 7 लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 8वां लाइन है। तो हम अब इस लाइन में सभी फंदों को क्लोज करेंगे। तो हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दोनों को एक कर लेंगे। फिर इसे बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे और दो को एक साथ लेते हुए सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए हमारे फंदे क्लोज होने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। देखिए हमारे फंदे क्लोज होना शुरू हो गए हैं। तो मैं सारे फंदे क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सभी फंदे उतार दिए गए हैं। अब धागे को हम इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे, कसेंगे और इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हमें पॉकेट की सिलाई करनी है। अब हमें पॉकेट की सिलाई कर देनी है जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, बेबी स्वेटर बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, गले से बनने वाले स्वेटर में ये पॉकेट बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, स्वेटर आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने बच्चे के लिए बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।